नमस्कार, जय भारत। तो कैसे हैं आप लोग? मैं जय मिश्रा एक हम आप सभी के लिए कुछ बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशंस लेकर के आया हूँ अन अकेडमी की तरफ से। अन अकेडमी में कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं, जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है माइंड मैप्स। ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बुकलेट है मेरे पास, आई है ये माइंड मैप की बुकलेट है ना, ये क्लास 12th की है। और इसी तरीके से मेरे पास एक और माइंड मैप की बुकलेट है जो कि क्लास 11th की है। ठीक है, तो इन दोनों बुकलेट्स में क्या फायदा है मैं आपको बताऊं। जैसे आप माइंड मैप्स ओपन करेंगे तो यहां पे आपको टॉपिक दिख जाएंगे, राइट? अब ये जो आपको टॉपिक दिख रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आप सारे मेन मेन फीचर्स यहां पे लिखे हुए, सारे मेन फॉर्मूले, सारे मेन मेन बातें सब यहां लिखी हुई हैं। तो जो आप रिवीजन करें तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक क्विक रिवीजन के लिए एक एसेट होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, जैसे एक चैप्टर का फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, ऐसे ही आपको क्लास 11th के सभी टॉपिक्स है ना, सभी के माइंड मैप्स मिल जाएंगे। इनमें क्या खास बात है देखें, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको शॉर्ट फॉर्म में सभी पूरे नोट्स एक जगह पे मिल रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे देखिए और भी फीचर्स हैं, यहाँ पे बाइंडेड फॉर्म में ये स्पायरल बाइंडिंग है, तो इसको ओपन भी कर सकते हैं आप चाहें तो। इन माइंड मैप्स के जो ये कार्ड्स हैं इनको बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो इन कार्ड्स को ऐसे बाहर निकाल लें, मान लो आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं सपोज फिजिकल केमिस्ट्री में मेरे से, और आपने मोल कॉन्सेप्ट पूरा कवर कर लिया, ठीक है, और आपको मोल कॉन्सेप्ट के अब क्या चाहिए, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो आपने शॉर्ट नोट्स क्या किए, बाइंडिंग से बाहर निकाले, ये पूरे देखिए लिखे हुए एक एक पॉइंट। इसके बाद देखिए यहाँ पे फीचर है, इसको आप जा करके दीवार पे स्टिक कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए फीचर ये दिया हुआ है, इसको निकालिए और दीवार पे चिपका लीजिए, तो आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स वॉल पे तैयार हो गए। जब आपको रिवाइज करना है आप रिवाइज कर रहे हैं, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, जैसे आप क्लास 12th के हैं या क्लास 12th के चैप्टर कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं, जैसे सॉलिड स्टेट देख रहे हैं आप, तो सॉलिड स्टेट के अंदर देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से सब कुछ पूरा कंटेंट शॉर्ट फॉर्म में, जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें सब एक कार्ड में दे दी गई हैं। फिर से आपको पीछे यहाँ पे देखिए स्टिकर दिया है, आप इसको वॉल पे जाकर चिपका सकते हैं और जब चाहे आप रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे देखिए बाकी चैप्टर्स के भी आपको शॉर्ट नोट्स फॉर्म में माइंड मैप्स मिल जाएंगे, राइट? एक तो ये फायदा हो गया। दूसरा, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, एक और नई चीज आई है, एक और नया फीचर जो आया वो है फ्लैश कार्ड। ठीक है, ये अन अकेडमी का फ्लैश कार्ड है और इस फ्लैश कार्ड के अंदर से ये फ्लैश कार्ड्स निकले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको ऑल द बेस्ट, और उसके बाद फ्लैश कार्ड आप ऐसे हटाते जाइए। जैसे आप मान लीजिए मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, तो देखिए इसका एक फ्लैश कार्ड आपने ऐसे निकाला, राइट? इसके सारे फॉर्मूले आपको यहाँ मिल गए, पीछे आप पलटिए बचे हुए फॉर्मूले यहाँ मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट एक फ्लैश कार्ड और भी है, उसमें आपको मिल जाएंगे, उसके बैक साइड में मिल जाएंगे। ये चैप्टर डन, दो फ्लैश कार्ड में आपके सारे फॉर्मूले डन हो गए। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट पूरा डन हो गया, पढ़ लीजिए ध्यान से, एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास, राइट, मोल का फॉर्मूला, उसके नीचे देखिए नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, पेज पलटिए इधर इधर, परसेंटेज कॉम्पोजिशन है ना, और ये देखिए गैस की डेंसिटी का फॉर्मूला, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला, फिर आप इधर आ जाइए, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन वगैरह। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से सारे फॉर्मूले दो कार्ड्स में आ गए। इसी तरीके से आप कार्ड्स हटाते जाइए, नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, फिर आप कार्ड हटाइए, नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, कार्ड हटाते जाइए, ऐसे आपको नेक्स्ट चैप्टर, सारे चैप्टर्स देखिए इसमें ग्राफ वगैरह पूरे थर्मोडायनेमिक्स के ग्राफ है, देख रहे हैं आप, तो ये थर्मोडायनेमिक्स के पूरे ग्राफ वगैरह आपको मिल जाएंगे। तो एक जगह, एक ही जगह अगर आपको फॉर्मूले सब के सब रिवाइज करने में प्रॉब्लम आती है तो आप आराम से, ठीक है, इस फ्लैश कार्ड का यूज़ करिए। इन फ्लैश कार्ड को यूज़ करते ही आपका काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। बड़ा विजय, एक और फीचर आया हुआ, ये बुकलेट्स मिली क्विक रिवीजन के लिए। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रिवाइज करनी है, आपको रिएक्शंस नहीं याद होती, ठीक है, तो आप इन बुकलेट्स को ओपन करिए, इसके अंदर देखिए नेम रिएक्शंस है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे एक जगह पे आपको मिल जाएंगी। तो इनको आप अपने पास रखते हैं, आप चलते फिरते भी रिवीजन कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं बाहर ट्रेवल कर रहे हैं, आपने इसको रख लिया अपने पास, रास्ते में आप ट्रेवल करते करते आराम से इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ चैप्टर्स की जैसे फ्लैश कार्ड्स की जगह फ्लैश बुक्स हैं, तो इनमें सारी बातें ऐसे दी हुई हैं, इसको आप रख लीजिए, आराम से आप रिवाइज करते जाइए। तो इस तरीके से आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं।
मेरे ख्याल से आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और इन सभी को ऑर्डर करने के क्या तरीके, कैसे पाएं आप इन्हें, इन सभी सुविधाओं का लाभ कैसे उठाएं? एक तो अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं 17 तारीख से पहले पहले, तो आपको ये सभी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, ठीक है, उसमें अवेलेबल हैं सब। और दूसरा, अगर आप अलग से परचेस करना चाहते हैं तो स्टोर में जाकर के ऑप्शन है, वहाँ जाकर परचेस कर सकते हैं। इतने तरीकों से आप फ्लैश कार्ड्स और ये पूरी चीज़ें पा सकते हैं, माइंड मैप्स, तो इनका फ़ायदा उठाइए, बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते रहेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।